नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद साइंस को कंटिन्यू कर पाया हूँ और साइंस की अगली वीडियो में हम लोग हार्ट को लेके आए हैं, ह्यूमन हार्ट सीधे सीधे हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस के अगर देखें तो हम लोगों ने कनेक्टेड टिश्यू किया था, कनेक्टिव टिश्यू उत्तक जिसको बोलते हैं, जिसमें हमने पूरा रक्त पढ़ा था, पूरा ब्लड का सिस्टम पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, और उसके साथ ही मैं फिर ये हार्ट को लेके आया हूँ। बायो को मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना के लेके चल रहा हूँ, जो भी हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन है, एक एक सेक्शन है, एक भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ब्लड का, और सॉरी ह्यूमन हार्ट का, तो इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए, आप लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है। और अगर आप लोग हमें रियली कुछ हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि व्यूज़ वगैरह सब चीज़ों पर ना कुछ चीज़ें डिपेंड नहीं करती, बहुत सी चीज़ें, अगर चैनल पे अगर आपको ऊपर कुछ विजिट एडवर्टाइजर्स लिखा होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो परोक्ष रूप से आप हमारी मदद कर देते हैं, है ना? क्योंकि मुझे जो पता लगा कि भाई अगर आप जब तक ऐड के पेज पे हम नहीं जाते हैं तब तक शायद कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, इसीलिए यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप लोग हमें कुछ मदद कर सकते हैं तो अगर आप उन एड्स के चैनल्स पर जाएंगे, है ना, विजिट एडवर्टाइजर्स लिखा होता है उस पर क्लिक करते हैं तो शायद कुछ चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। खैर, मेन चीज़ें इसमें ये है कि आपको वीडियोज़ पूरी देखनी है, वो शायद हम लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे। और सब्सक्रिप्शन के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो चीज़ें अपने आप अनवरत होती रहती हैं। सब चीज़ अगर हम देखें तो विज्ञान में हमारे हार्ट आपके सामने है, और मैंने कोशिश किया है कच्चा पक्का ये हार्ट बनाने की, और इसको एक वर्किंग इसकी मैंने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें वर्किंग समझाना बहुत आसान नहीं है, है ना? इसमें मैंने वर्किंग समझा दी है, ये हमारा जो हार्ट का ओवरव्यू होता है ये बना दिया, और हम किस तरह से समझेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल कट टू कट चीज़ें लेके चलनी है। जो क्वेश्चंस आते हैं हार्ट से हमें उसे पकड़ना है, ठीक है? मानव शरीर का इंजन, अगर कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी का जो इंजन है वो हार्ट ही है, यही एक ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं कर सकता हमारे शरीर में, है ना? दो धड़कनों के बीच में जो समय है, कहा जाता है उसी समय में हमारा हार्ट सिर्फ आराम करता है, उसके बाद उसे कभी समय नहीं मिलता है। एक दिन में करीब 1,00,000 से ज़्यादा बार हमारा दिल धड़कता है, बीट करता है ना? आदर्श रूप से 70 से 72 बार एक मिनट में बीट करता है। तो इतना बिजी ऑर्गन, और सबसे प्रेशियस, सबसे ही मजबूत, सबसे ही जरूरी ऑर्गन हमारे शरीर के लिए ये है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि इस पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड दूषित रक्त को खींच के लाना, और फिर ऑक्सीजन वाले रक्त को सारे ऑर्गन्स में भेजना, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, किसके माध्यम से? ब्लड के माध्यम से, ठीक है? अगर मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू, ह्यूमन हार्ट इस तरह का होता है, करीब 200 से 250 ग्राम के आसपास का ह्यूमन हार्ट होता है, 150 से 200 250 ग्राम का, और जिसमें कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, ऐसी नालिकाएं, ऐसी कैपिलरीज जिसमें ब्लड होता है, उन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है? ये हार्ट से रिलेटेड दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होती हैं अर्टरीज और एक होती हैं वेन्स। कौन सी होती हैं? अर्टरीज मतलब धमनियां, और वेन्स मतलब सिराएं। धमनियों में ज़्यादातर साफ खून होता है, ऑक्सीजन वाला खून होता है, और वेन्स में ज़्यादातर दूषित खून होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के, वो हम डिस्कस करेंगे। मनुष्य का हृदय होता कहाँ है? जस्ट ये हमारी ब्रेस्ट बोन, जो हमारी मेन ये स्टर्नम होता है ना, इसके जस्ट पीछे हमारी ब्रेस्ट बोन है, इसके हल्का सा, ये ब्रेस्ट बोन के जस्ट लेफ्ट साइड में अंदर, ब्रेस्ट बोन के नीचे हमारा ये हार्ट होता है। अगर कहा जाए तो हमारे बिल्कुल हार्ट थोड़ा सा बायां साइड लेके छाती के बिल्कुल बीचों बीच में ये हार्ट होता है, और 250 ग्राम तक हमारा हार्ट हो सकता है। कुछ ब्लड, इसमें कुछ जो ब्लड वेसल्स यूज़ होती हैं जिसमें रक्त बहता है, उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, आर्टरीज में और वेन्स में। आर्टरीज क्या होती हैं? जो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक खून पहुंचाती हैं, रक्त पहुंचाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? धमनियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धमनियां। देखिए, जहां जहां मैंने आर्टरीज लिखी है ना, ये रहा आर्टरीज, है ना, ये सारी हमारी क्या है? आर्टरीज हैं, जो कि हार्ट से ब्लड को अलग अलग जगह पहुँचा रही हैं, और हार्ट में ब्लड जो आ रहा है वो वेन्स के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? शिराओं के थ्रू, वेन्स के थ्रू, ठीक है? अब इसमें अगर हम सीधे आएं, हार्ट के चार हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? चार हिस्से। पहला, दूसरा, फिर आपका
तीसरा और चौथा, इसे बोलते हैं दाया आलिंद या राइट आरटीएम, राइट आरटीएम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरटीएम लेफ्ट वेंट्रिकल। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और वो ऑक्सीजन सारे शरीर में कौन पहुंचाता है? हमारा ब्लड पहुंचाता है। लेकिन वो ब्लड, ये सुनिश्चित करना कि ब्लड हर जगह तक पहुंच जाए, ये काम होता है हार्ट का। हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है, वो ब्लड को धक्का देके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? धमनियों के माध्यम से। धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक ब्लड जाता है, और शिराओं के माध्यम से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दूषित ब्लड ऊपर लेके आता है, फिर उस दूषित ब्लड को लंग्स में फेंक छोड़ देता है। लंग्स में फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक के थ्रू बाहर कर देते हैं, और ऑक्सीजन को ब्लड में मिला के फिर हार्ट के पास भेज देते हैं, और हार्ट फिर उस साफ खून को पुनः शरीर में आगे फेंक देता है। यही प्रक्रिया चलती है, इसी के थ्रू हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहती है। अब देखिए, सबसे पहले इसके मैं फंक्शन को समझा दूँ। सबसे पहले रक्त हमारा कहाँ से आता है? सबसे पहले हमारे ये दूषित खून की बात कर रहा हूँ, हमारे शरीर के सभी अंगों से दूषित खून किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा, प्रमुख शिराओं के द्वारा आता है। दो प्रमुख शिराएं होती हैं, एक सुपीरियर वेन केवा और इन्फीरियर वेन केवा। सुपीरियर वेन केवा वो होती हैं जो हमारे ऊपरी, हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के ऑर्गन्स से जो ब्लड हार्ट तक लेके आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुपीरियर वेन केवा, ठीक है। और जो निचले हिस्से के खून को लेके आती हैं ऊपर तक उसे बोलते हैं इन्फीरियर वेन केवा। ये दोनों क्या होती हैं? शिराएं होती हैं, वेन होती हैं। ये हमारे ऑर्गन से लेके ब्लड लेके आती हैं कहाँ पे? राइट आरटीएम में। यहाँ पे लेके आती हैं, कहाँ लेके आती हैं? राइट आरटीएम में, दाएं आलिंद में लेके आती हैं। उसके बाद यहाँ से वो रक्त, ये ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, तिकोना, तीन मुहा एक वाल्व होता है, इससे होते हुए ये राइट वेंट्रिकल पहुँचता है। खून कहाँ पहुँचता है? राइट वेंट्रिकल। ये वाल्व क्या करता है? एक प्रकार से इनके बीच में ये मेढ़ी का काम करता है, मतलब एक गैप बना के रखता है, है ना। और इस लेफ्ट राइट वेंट, इस वेंट्रिकल से उल्टा जाने नहीं देता खून को। अगर ये वाल्व ना हो तो खून उल्टा भी जाने लग जाता है। जब किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब होते हैं तो ये दिक्कत होती है, ब्लड का बैक फ्लो भी होना शुरू हो जाता है ना। तो ये बीच में क्या है? डार्क सा ट्राइकप्सिड वाल्व। रक्त आया यहाँ से, रक्त इसमें राइट वेंट्रिकल पहुँचा, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? ये देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज में गया। किस में गया? पल्मोनरी आर्टरीज। ये देखिए, ये पीछे आर्टरीज है, यहाँ से इस पल्मोनरी आर्टरीज से चला, कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया। कहाँ चला गया? लंग्स में। ये पल्मोनरी आर्टरीज ने फेफड़ों तक कौन सा खून पहुँचाया? जो हृदय के में पहुँचा था दूषित खून, है ना, सारे शरीरों से निचोड़ के हृदय में आया था, हृदय में आरटीएम में आया था, आरटीएम से राइट आरटीएम में आया था, राइट आरटीएम से राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से सीधे ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये दूषित रक्त चला गया फेफड़ों में। फेफड़ों में पहले से वहाँ पे ऑक्सीजन इंतजार कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हटी और ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया और वो शुद्ध ब्लड हो गया। शुद्ध ब्लड को फिर पल्मोनरी वेन, वहाँ से पल्मोनरी वेन जो पल्मोनरी शिरा है वो सीधे ब्लड को कहाँ लेके आ गई? इस हिस्से में लेके, तीसरे चैम्बर में लेके आ गई। किस में लेके आ गई? तीसरे चैम्बर में। इस चैम्बर में हमारा शुद्ध रक्त पहुंचता है और उसके बाद वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में पहुंचता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आरटीएम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है? मिट्रल वाल्व है। कौन सा वाल्व है? मिट्रल वाल्व। दाएं वाले के बीच में कौन सा है? ट्राइकप्सिड। और इधर कौन सा है? मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो लेफ्ट आरटीएम से होकर जब चौथे स्तर पर आखिरी खाने में लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो यहां से सारी जो आर्टरीज हैं, मेन जो हमारी आर्टरीज एरोटा जिसको बोलते हैं ना, जो मेन आर्टरी है वो सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर देती है और इस प्रकार साफ सुथरा ब्लड यहाँ से शरीर के अंगों तक पहुँच जाता है। अगर सिर्फ आप इस ग्राफ को देखें, इस पिक्टोरियल व्यू को देखें, पहले दूषित खून यहाँ से निकला, हमारे शरीर के अंगों से आया, सारी मुख्य शिराओं से, और सीधे पहुँचा राइट आरटीएम यहाँ पे, यहाँ से पहुँचा ये राइट वेंट्रिकल नीचे, ठीक है। नीचे से एक पल्मोनरी आर्टरी मिली इसको, पल्मोनरी अधमनी, इससे होते हुए यह अशुद्ध रक्त गया लंग्स में, लंग्स में जाके शुद्ध हुआ, और शुद्ध होने के बाद कौन सी शिरा थी? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शिरा
जिसमें साफ सुथरा खून आया और वो पहुंचा कहाँ, लेफ्ट आरटीएम में, तीसरे कक्ष में पहुंचा और वहां से खून आया चौथे वेंट्रिकल में, और चौथे वेंट्रिकल में आते ही मेन जो मुख्य धमनी थी वो इंतजार कर रही थी, एरोटा जिसको बोलते हैं, ये रहा एरोटा देखो, और ये एरोटा शरीर के सारे अंगों तक रक्त को पहुंचा देती है। समझ में आ गया? तो मतलब क्या, सभी धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को, एक आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टरीज में क्या होता है, क्लीन ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी शिरा में सिर्फ शुद्ध रक्त होता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, है ना, मैंने इसीलिए यहां लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरीज में शुद्ध रक्त नहीं होता, बाकी सब में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। आर्टरीज मतलब प्योर ब्लड, वेन मतलब इम्प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड रहेगा। ठीक हो गया, सिस्टम क्लियर हो गया बहुत। और यही जो पूरा प्रोसेस है, यही आपका ब्लड लेके और ब्लड हमारे शरीर के अंगों तक जाता है, सिंपल चीज़ें हैं। अब देखिए जो ये राइट दायां आलिंद है, जो ये राइट आर्टरियम, यहीं पे आपके कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होते हैं जिन्हें सिनोसाइडल नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोसाइडल नोड, SA, सिनोसाइडल नोड। ये कहाँ शुरू होते हैं? दाएं आलिंद में शुरू होते हैं, राइट आरटीएम में, और यही सिनोसाइडल नोड हमारी धड़कन बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लगता कि वॉइस का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सॉरी, वॉइस माइट बी डिस्ट्रैक्ट हो गई होगी, अब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब ये जो सिनोसाइडल का जो स्थान है, इसी स्थान पे हमारी धड़कन जनरेट होती है जिसके कारण की हमारी हार्ट बीट बनती है। इसी को, जहाँ ये सिनोसाइडल बनती है, जहाँ सिनोसाइडल नोड बनते हैं, इसको बोला जाता है आपका पेसमेकर। क्या बोला जाता है? पेसमेकर। आपने सुना होगा, बहुत से बुजुर्ग लोगों का बोलते कि दिल काम नहीं कर रहा तो पेसमेकर लगा दिया, बैटरी लगा दिया, वो यही। जब हमारे हार्ट की धड़कन 20 से 25 बीट्स पर मिनट तक गिर जाती है तो हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है, क्योंकि ये सिनोसाइडल नोड सही से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसका मतलब हमारी धड़कन का निर्माण कहाँ होता है? दाएँ आलिंद में होता है। कहाँ होता है? दाएँ आलिंद में होता है। और अगर हमारे हार्ट की स्पीड कम हो जाती है, बीट कम हो जाती है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे जो रक्त में जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, कैसे क्या चलता है? ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं ना कि 120/80 है, वो क्या सिस्टम है, मतलब क्या होता है ये? डायस्टोलिक सिस्टोलिक, ठीक है। जब आप ये दोनों वेंट्रिकल देखिए, ये निचले वाले वेंट्रिकल हैं, जब वेंट्रिकल खून छोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो जो रक्त तेजी के साथ बाहर निकलता है, जिसमें कि उस रीडिंग को क्या बोलते हैं? डिस्टोलिक रीडिंग बोलते हैं, हाई बीपी वाला, मतलब बीपी का अपर रेंज, डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। जब वेंट्रिकल रक्त छोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो डायस्टोलिक, और जब वेंट्रिकल सिकोड़ता है अपने को रक्त जमा करने के लिए अलग से, तो होता है सिस्टोलिक, है ना, मतलब लोअर रेंज। आदर्श रूप से किसी व्यक्ति का बीपी 120/80 होता है, है ना, तो 120 जो अपर रेंज होती है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक, और जो छोटे वाला होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है। तो डायस्टोलिक कब होता है? जब वेंट्रिकल खून छोड़ता है आर्टरीज में, ठीक है, और जो शरीर के अंगों में जाता है। और छोटे वाला कब होता है? जब वेंट्रिकल खून को इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। डन हो गया। चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। अब अगर हम आगे देखें, ये आपका पूरा ब्लड का, इसका ब्लड का कैसे रोटेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, ये क्लियर हो गया। ब्लड किस तरह से घूम रहा है और किस तरह से धड़कन जनरेट होती है, किस तरह से आपका हाई बीपी और लो बीपी जनरेट होता है, ये समझ में आ गया। जो ब्लड प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे स्फेग्नोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमीटर। अब देख लीजिए, आपको
इसका चाहें तो आप इजीली से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये हो गया। अब हमने देखते हैं कि हमारे जो दिल की धड़कन होती है उसकी कुछ आवाज़ें होती हैं, है ना, लुब और डुब। हमारे दिल की धड़कन अगर आप देखेंगे तो धुक और धक, है ना, ये छोटी आवाज़ एक बड़ी आवाज़ आती है। तो जो पहली आवाज़ होती है उसे लुब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LUBB, लुब। और जो दूसरी आवाज़ होती है उसे डुब बोलते हैं, है ना। तो ये कब होती है? ये तब होती है जब हमारे ये बीच वाला वाल्व, ट्राइकप्सिड और मिट्रल वाल्व, जब खुलता जब बंद होता है तो पहली आवाज़ आती है, लुब वाली आवाज़ आती है। और जब इस आवाज़ के बाद रक्त यहाँ पहुँचता है, और जब ये रक्त पल्मोनरीज वॉल्व में जाता है, जब वेंट्रिकल से पल्मोनरीज वॉल्व में ये रक्त जाता है, तो जो वॉल्व खुलते बंद होते हैं तो डुब आवाज होती है। समझ गए? जब ये ट्राइकप्सिड और मिट्रल वॉल्व आवाज़ करते हैं तो छोटी आवाज़ होती है, हल्की से आवाज़ होती है। और जब ये वेंट्रिकल में रक्त जाने के बाद जब पल्मोनरी वॉल्व्स आवाज़ करते हैं, पल्मोनरी वॉल्व आवाज़ करते हैं, तो डुब की आवाज़ होती है, जो कि बड़ी आवाज़ होती है। पहली धड़कन की पहली आवाज़ लुब कहलाती है और दूसरी आवाज़ डुब कहलाती है। दूसरी आवाज़ जो है वो साउंड में ज़्यादा तेज होती है, थोड़ी ज़्यादा भारी होती है, जो किसकी होती है? पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने के कारण होती है, ठीक है। और लुब किसके कारण होती है? ये ट्राइकप्सिड और मिट्रल वॉल्व के बंद होने के कारण। तो हमारी धड़कन समझ में आ गई, धड़कन की आवाज़ें समझ में आ गई आपको। धड़कन की आवाज़ें किस कारण होती हैं? वॉल्वों के बंद होने के कारण। हमारी हार्ट बीट बनती कहाँ पे है? यहाँ बनती है सिनोसाइडल नोड बनने के कारण, जिसे पेसमेकर बोलते हैं। उसके बाद हमारा बीपी कैसे बढ़ता घटता है? जब हमारा वेंट्रिकल खून का झटका आगे मारता है तो बीपी बढ़ता है, जब हार्ट को सिकोड़ के खून इकट्ठा करता है कंप्रेस होके, तो लोअर रेंज होती है हमारी बीपी की, ब्लड प्रेशर की, ठीक है। 120/80, मतलब जब रक्त छोड़ा तो 120, जब रक्त जब सिकोड़ लिया अपने को तो 80। समझ गए? छोड़ने वाले समय पे डायस्टोलिक और वापस खींचने वाले समय पे सिस्टोलिक, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। रक्त के क्या कहते हैं, हार्ट के सिस्टम से हमको यही सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। अगर आपको ये बस पोर्शन पूरा अच्छे से याद रखना है, आपको कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं कि किसके बाद चीज़ कहाँ जा रही है, ठीक है। पढ़ते रहिए इसको और डन करिए। थैंक यू।